बड़ा अटैक। दोस्तों भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पहुंचे काराकाट पवन सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए। अब तो मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि एक से ज्यादा भले दो और दो लोग जब मिल करके चुनाव प्रचार करते हैं भाई, तो माजरा क्या होगा वो आप लोग समझ ही सकते हैं। क्योंकि फिलहाल पवन सिंह का नामांकन था और वहां पे खेसारी लाल यादव के पिताजी भी पहुंचे थे और पवन सिंह भी स्टेज पे थे और इतनी जनसैलाब देखने को मिली, मतलब एक अलग ही सपोर्ट देखने को मिला जनता का। फिलहाल पवन सिंह को चुनाव चिन्ह मिल चुका है और पवन सिंह का चुनाव चिन्ह होने वाला है कैंची। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का चुनाव चिन्ह होगा कैंची और आज ही पवन सिंह को निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह दिया गया है। और अब जैसा कि चुनाव प्रचार मिल चुका है तो बहुत सारे भोजपुरी के सुपरस्टार भी मौजूद होंगे काराकाट की धरती पर चुनाव प्रचार करते हुए, जिसमें से एक खेसारी लाल यादव भी होने वाले हैं। खेसारी लाल यादव हालांकि कॉल वगैरह करते रहते हैं, पूछते रहते हैं हाल चाल सब कुछ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इस चीज की पुष्टि खुद की है पवन सिंह जी के जो मैनेजर हैं अमित सिंह। आप लोग उनका पहले इंटरव्यू सुनिए। तो वो खेसारी जी श्योर आएंगे, खेसारी जी सारे मतलब जो भी एक्टिविटी है चुनाव का हाल चाल लेते रहते हैं कि क्या स्थिति, फोन करते हैं और सारा कुछ समझते भी हैं कि क्या चल रहा है क्या ये है। उनको भी लगता है कि ये करना चाहिए, वो अपना भी सुझाव शेयर करते हैं कि ऐसा किया जाए, क्योंकि वो कलाकार है, वो एक कलाकार है, दूसरे कलाकार का भाव समझ रहे हैं कि वो क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना और इसी से आप लोग पुष्टि कर सकते हैं कि खेसारी लाल यादव कहीं दूर नहीं है, कहीं अलग नहीं है। ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ दिखावा ही हो रहा है, बल्कि अंदर अंदर सारी बातें चल रही हैं और खेसारी लाल यादव बहुत जल्द काराकाट पहुंचने वाले हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि अब चुनाव चिन्ह मिल चुका है और पवन सिंह का जैसा कि कैंची चुनाव चिन्ह होने वाला है। भाई काराकाट की जो भी जनता आप लोग ध्यान में रख लीजिए और कैंची पे ठप्पा ठप मोहर लगाना है और पवन सिंह को जिता देना है 2 से 2.5 लाख फोटो से, क्योंकि दोस्तों पवन सिंह जैसा मेहनती और कर्मठ नेता आपको नहीं मिलेगा। वाकई में काराकाट की किस्मत ही है, हम ये नहीं बोलेंगे काराकाट की किस्मत है, पवन सिंह की भी किस्मत है क्योंकि ऐसा क्षेत्र उनको मिला। लेकिन एक बात ये सही है कि काराकाट को पहले कोई नहीं जानता था, मतलब काराकाट को हम खुद नहीं जानते थे, लेकिन दोस्तों पवन सिंह जब से वहां से अपना नाम अनाउंसमेंट करते हैं उसके बाद काराकाट पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगता है। और भाई जब एक नाम ट्रेंड करता है ना तो उस जगह की डिमांड भी बढ़ती है और पवन सिंह जैसे ही सांसद बनते हैं और इस चीज का मुद्दा संसद भवन में जब उठाते हैं तो ये मुद्दा सिर्फ एक जगह का मुद्दा नहीं बनने वाला है, बल्कि ये पूरे देश में ट्रेंड करने वाला है। तो भाई काराकाट की सीट सिर्फ सीट नहीं बल्कि हॉट सीट बन चुकी है और हॉट सीट में बहुत सारे सुपरस्टार अब नजर आने वाले हैं चुनाव प्रचार करते हुए, क्योंकि चुनाव चिन्ह मिल चुका है, पवन सिंह का चुनाव चिन्ह कैंची होने वाला है। खैर आप लोग कमेंट करके बताइए कि पवन सिंह इस बार कितने लाख वोटों से काराकाट से जीत रहे हैं, अपना जरूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, देखते रहिए तब तक ही होरा भोजपुरी न्यूज़।